नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ कार्तिक माता में 27वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाची दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहाँ पर आया हुआ देख वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुई हो। तब राजा अपने अपना और पिशाची का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं। इसीलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसीलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हूँ अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। यह मैंने भले ही प्रकार जान लिया है। तब कल्याण माशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सबकी गुरु संख्या है। अतः इन सबकी वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्माषपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यदि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा प्राणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुरु गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी साथ पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है, न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्भ मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाची अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्गी जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाची कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंखचर गदा पदमधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्याण माशपाद हमने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज सुख भोगने के लिए अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी गंगा और विशेषवेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूर्य जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अवश्य में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। अथ 28वां अध्याय। सूर्य जी
इतना कह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूर्य जी, आप कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसकी को गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूर्य जी कहने लगे कि बालावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान कर जो कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय स्वर्ण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अत 29वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा प्राणों की जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी कि एक सूर्य की साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।